स क्लास सिक्स ये चैप्टर का एंड है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स यूज डिजोल्व ऑक्सीजन वेन इट रेन्स हेवीली अर्थवॉर्म कम आउट ऑफ द सॉइल बिकॉज नो एयर इज लेफ्ट इन द सॉइल फॉर देम एक केस स्टडी यहाँ पे दी हुई है द भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज एन इंडस्ट्रियल डिजास्टर इट टुक्स प्लेस एट द यूनियन कार्बाइड सब्सिडरी पेस्टिसाइड प्लांट इन द सिटी ऑफ भोपाल India on 3rd December 1984. The plant released 42 tons of toxic methyl isocyanate gas, exposing more than 5 lakh people to toxic gases. About 8,000 people died within two weeks, and an additional 8,000 have since died of gas related diseases. It is the world's worst industrial disaster. Jo एक भोपाल में एक डिजास्टर हुआ था जिसमें एक फैक्ट्री में से यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट था जहां पर गैस रिलीज हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट जिसकी वजह से पांच लाख लोग इफेक्टेड हुए थे उस टॉक्सिक गैसेस से जिसमें से एट थाउजेंड की डेथ हुई थी दो वीक के अंदर और एट थाउजेंड जो थे वो गैस रिलेटेड डिजीजेस से इफेक्टेड हुए थे और ये एक वर्ल्ड का वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर था यूजेस ऑफ एयर एयर इज यूजफुल टू अस इन मेनी वेज ऑक्सीजन इज यूज बाय ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग ऑफ फ्यूल कंप्रेस्ड एयर इज यूज फॉर इन्फ्लेटिंग टायर्स ऑफ बाइसिकल स्कूटर्स कार्स बसेज इट इज ऑल्सो यूज इन बलून फुटबॉल एक्सेट्रा मूविंग एयर हेल्प ये पैराशूट एंड ग्लाइडर टू मूव मूविंग एयर इज यूज टू टर्न द ब्लेड्स ऑफ विंडमिल्स मिल इज यूज टू ड्रॉपर ऑक्सीजन सभी ऑर्गेनिज्म को चाहिए रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन बर्निंग ऑफ फ्यूल के लिए कॉम्प्रेस एयर को हम टायर ट्यूब में डाला जाता है और बेलून्स और फुटबॉल्स में भी भरा जाता है मूविंग एयर की वजह से पैराशूट ये का मतलब सेलिंग बोट्स और ग्लाइडर्स मूव करते हैं मूविंग एयर से ही विंड मिल चलती है और विंड मिल से वॉटर निकाला जाता है कहा से ट्यूबवेल well से रन फ्लोर मिल्स एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विंड मिल से पानी ट्यूबवेल well से निकाला जाता है फ्लोर मिल्स चलाई जाती है आटे की मिल और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है विंड हेल्प इन डिस्पोजल ऑफ सीड्स इज ऑल्सो हेल्प इन पोलिनेशन विंड्स की वजह से सीड्स हवा में बिखेर जाते हैं जिससे कि नए पौधे उग जाते हैं एयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वॉटर साइकिल एयर जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जैसे कि पानी इवेपोरेट होकर हवा की वजह से कंडेंस हो ऊपर दोबारा रेन फॉर्म में नीचे आता है ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड यूजेज ऑफ केमिकल इन एग्रीकल्चर आर सम ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन वी कैन रिड्यूज एयर पॉल्यूशन बाय द फॉलोइंग मेथड्स ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब है पेड़ों का काटना फ्यूल का बर्न होना मतलब पे, पेट्रोल और डीजल और केमिकल्स का इंडस्ट्रीज में या एग्रीकल्चर में यूज होना जिससे कि एयर पोल्यूशन होता है वो हम कैसे रोक सकते हैं ग्रोइंग मोर ट्रीज जितने ज्यादा ट्रीज होंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन हमें मिलेगी यूजिंग क्लीनर फ्यूल लाइक सीएनजी ऐसे फ्यूल का इस्तेमाल किया जाए जैसे कि सीएनजी जो कि धुआं नहीं छोड़ते यूजिंग स्मोकलेस सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एस सोलर एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी ऐसी सोर्सेज यूज किए जाए एनर्जी के जिसमे की स्मोक नहीं होता यूजिंग लेड फ्री पेट्रोल और अगर लेड फ्री पेट्रोल का यूज किया जाता है उससे भी धुआं बहुत कम निकलता है <coughs> आगे एक्सरसाइजेज इसकी विच ऑफ दिवस इन सॉइल अर्थवॉर्म बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाईऑक्साइड इन एयर मेंटेन्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ तो आपका आंसर होगा बोथ ए एंड बी बर्निंग ऑफ फ्यूल्स प्रोड्यूसेस स्मोक विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन क्लीन फ्यूल सी एनजी एयर इज यूज बाय ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस लेवोशियर लेवोशियर एक साइंटिस्ट का नाम है प्रूव्ड दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस जिन्होंने बोला जिन्होंने ये प्रूव किया कि एयर जो है वो मिक्सचर है गैसेस का विंड मिल इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स। मैच द कॉलम नाइट्रोजन सेवेंटी एट परसेंट ऑफ एयर ऑक्सीजन ट्वेंटी वन परसेंट ऑफ एयर फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस में किसका यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का विंड मिल रन फ्लोर मिल्स प्लांट एंड एनिमल्स इंटर डिपेंडेंट इन नेचर सोलिबिलिटी ऑफ एयर in वॉटर तो आपका यहां आ जाएगा डिक्रीज ऑन हीटिंग जो पानी की सोलिबिलिटी होती है अगर गर्मी ज्यादा हो जाती है तो वो डिक्रीज हो जाती है तो ये आपका चैप्टर फिफ्टीन खत्म हो गया नेक्स्ट आपको इसी के साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे